सेवंथ हमने पीयूष की बात मान तो ली, फेक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हाँ भी कर दी, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। मतलब जयवंत सतीश कभी उस फेक डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं करेगा। समय जानता हूं कि टास्क मुश्किल है, लेकिन हमें ये करना ही होगा। आपको सर को मनाना ही होगा, अपने रिश्तेदार के नाते, पार्टनर के नाते, या फिर इमोशनली। जयवंत चलो कुछ भी करके एक बार मैं सतीश को मना भी लूंगा, लेकिन एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या? कंपनी की एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरवाइजर होने के नाते उस डॉक्यूमेंट पर अर्चना के साइन भी जरूरी है। जयवंत अर्चना मर जाएगी, लेकिन कभी उस फेक डॉक्यूमेंट पर साइन नहीं करेगी। लेकिन सर, ट्राई टू अंडरस्टैंड जयवंत, अर्चना मानव से बहुत प्यार। फिर भी करवा लेंगे सर। भाई प्रभा काकी का फोन है, आपसे बात करना चाहती हैं। प्रभा काकी का फोन? आप लोग घर पहुंच गए क्या? नहीं, दरअसल हम मानव के घर में हैं। वो मानव की गिरफ्तारी के बाद सविता दाई को गहरा सदमा पहुंचा है, तो बस उनकी सांत्वना के लिए हम यहाँ आए। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी, इसलिए मैंने आपको फोन किया। लेकिन अब ऐसा लगता है कि शायद आपके पास मेरी बातों के लिए वक्त नहीं है। देखिए, मुझे तो ऐसा लगा था आप अपनी बेटी को पुराने बंधन तोड़कर आगे बढ़ना सिखाएंगी, लेकिन यहाँ तो आप भी उन बंधनों में ऐसे उलझे हैं कि ठोते मी फोन। अनंत चतुर्दशी के दिन घर जाते समय दुनिया के दुख दर्द अपने साथ लेके जाते हो और सारी दुनिया को खुशियाँ देते हो, तो मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों? बोलो ना बाबा। अगर अच्छे काम का ऐसा ही फल देते रहे तो लोगों का अच्छे काम से विश्वास उठ जाएगा। बाबा बाबा बाबा, मेरे बेटे को न्याय दो बाबा। आप जब तक नहीं बोलेंगे, वचन नहीं देंगे, मैं यहाँ से नहीं हिलने वाली। आई बाबा की अपनी एक अलग ही रचना है, वो हम अपने आंखों से नहीं देख पाते, लेकिन बाबा अपने भक्तों के साथ कभी बुरा नहीं करते। बस बस तू उन पर भरोसा रख और तू चल यहाँ से। देखो प्रभा, अच्छी बुरी जैसी है, अर्चना जयवंत की पसंद है। सोने की हथकड़ी कितनी भी प्यारी क्यों ना हो, होती तो वो हथकड़ी है ना। अर्चना भी यही बला है। मी तुम्हारा सांगून ठेवते हाँ, जब तक उस अर्चना के दिमाग से इस मानव का अमल नहीं उतर जाता ना, मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। जिस वक्त मैंने माल चोरी करने का प्लान बनाया था, उस वक्त मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं इतने फायदे में रहूंगा। चोरी का माल बेच के मैंने पैसा कमाया नहीं कमाया, इसका मुझे जरा भी अफसोस नहीं है। लेकिन उस मानव के बच्चे को मैं जहां पहुंचाना चाहता था, वहां मैंने उसे पहुंचा दिया। अब जिंदगी भर जेल में सड़ता रहेगा और मैं यहाँ बाहर बैठ कर ऐश करूंगा। ऐश। आज आपकी बेटी की वजह से मानव इस हाल में है। पहले आपकी बहू ने उन्हें जेल भिजवाया और आज आपकी बेटी ने। लेकिन अब बस बहुत हो चुका, हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप प्लीज चले जाइए, हम सबकी जिंदगी से चले जाइए। अब मैं तुमसे और क्या कहूँ, क्या हम एक पल के लिए सही, लेकिन हमारे सारे झगड़े भूलकर मानव के लिए बापा से प्रार्थना नहीं कर सकते?